दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर सबसे विशालकाय जीव डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, जब वे झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। इन महान जीवों का अंत भी काफी दुखदायी रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। अगर हम डायनासोर की हाइट की बात करें तो इसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 40 मीटर थी और गर्दन उठाने पर यह करीब 20 मीटर ऊंचा हो जाता था, जो 7 मंजिल वाली इमारत के बराबर है। और इसके वेट की बात करें तो एक डायनासोर की वजन कई हाथियों के बराबर होती है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थी। धरती पे सब कुछ हर रोज की तरह नॉर्मल था। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा आ रहा था, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और इस टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है, जिसके बाद वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है और पृथ्वी से जा टकराता है, जिसके बाद पूरी पृथ्वी पर तबाही मच जाता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बिल्कुल नजदीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया था। इसकी चमक के कारण जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और धूल से पूरी तरह ढक गया। टकराव से लगभग 16 मिनट बाद धरती के अंदर चारों तरफ भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव झलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो तबाही की बस शुरुआत थी, जिसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणी बीमारी या भुखमरी से मर गए। धरती पर उसके बाद और भी अलग अलग तरह के जीव जंतु जानवर को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे जीव जंतु भी खत्म हुए हैं। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल खींचाव के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, जिसमें बड़े जीवों को खाना न मिलने के कारण वह भी मर गए, लेकिन छोटे जीव खुद को किसी तरह जिंदा रखे हुए था। इसमें मेमल बच गए थे, गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगा। पूरी धरती पर जीवों का फिर से विकास होने लगा था। दोस्तों, हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई थी, जो पेड़ों पर रहते थे। बाद में ये कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हो गए हैं। फिर जंगल सूख जाने से यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए।
फिर उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू किया, जिसके बाद दुनिया पूरी तरह से बदल गया। इंसानों ने काफी तरक्की किया। दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि डायनासोर के बाद पूरी दुनिया पर इंसानों का राज हो गया है। दोस्तों, अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।